बारी है वो आपने मुकर्रर मजालिस में सुन लिया और मैंने यहाँ तक अर्ज कर दिया है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कमालुर रजुले बिसित्तिन, रजुल का कमाल, कामिल रजुल वो होता है जो छह बातें जिसमें पाई जाएं। कल सबको दो ही बातें जिक्र हो सकी, बल्कि दो भी नहीं एक ही। तो एक साहब ने बात को कहा कि साहब वो आपने छह कहा था और छह में दो और दो भी हुई तो उसमें भी नाकिस लिखवा दीजिए। मैंने कहा लिखवा क्यों दूं, मैं सुना क्यों न दूं, सलवा दे दिया मुझे। इसलिए उसकी तकमील उस तरह कर दी जाए जैसे दीन इस्लाम की तकमील विलायत अली से हुई। तदरीजन अहकाम आते रहे, अकायद की तलकीन तालीम होती रही और जब सब हो चुका तो आखिरी मरहला वो आ गया था कि जिसमें कुदरत ने कहा कब तक मुंतजिर बनाऊं, क्यों न सनद दे दूं अकमल तो की। तो इसलिए मैं चंद जुमले अर्ज करूंगा और इत्तेफाक से वो रिजाल ही के सिलसिले में मेरा बयान हिर फिर के रह गया और मैं उसी की तकमील कर दूं क्योंकि मैंने फहरिस्त पेश कर दी आपके सामने। तो उसमें मैंने कहा था कि कमाल रजुले बिसित्तिन, मर्द का कमाल रजुल का छह चीजों से है, बस गराए वबे अकबराए वबे है अत्ताए, दो छोटी चीजें, दो बड़ी चीजें और दो हैत और हालत, ये दो 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 छह हो गए। अम्मा असगरा फकल्बहु वलिसानहु, दो छोटी चीजें जिन पर असास इंसानियत है, रजुल के तकमील की खिश्त अव्वल है, तो क्या है
कल्ब है और लिसान है, दिल है कल्ब और जबान, ये दो चीजें हैं। अगर ये दोनों इस काशाने जसद से अलग कर दिए जाएं तो एक मजबला होके रह जाए। सलावात एक वो है जबान जो गैब की खबर देती है, एक वो है दिल जो गैब से उलूम लेता है। बात दिल में आती है उसके बाद जबान पर आती है, जबान वो कहती है जो दिल में, दिल वो है जो छुपा हुआ, तो छुपे हुए की खबर कौन दे, जबान ही तो दे, कोई और तो दे नहीं सकता। लिहाजा जबान खबर देती है, असली खबर वही होती है जो जबान बयान करे, मगर कब खबर देती है जबान, जब दिल से मुत्तसिल रहे। काट के अलग रख दो तो कोई खबर न दे। एक सलावात है ये, जब तक मुत्तसिल है राबता दिल से और कल्ब से और जबान से है उस वक्त तक खबर देती है। लेकिन अब आप अगर चाहें कि जबान को काट के बड़े महफूज जगह रख दें और कहें कि जबान तो है वहां न सही यहां सही, तो अगर वहां से यहां हुआ तो अब वो खबर नहीं हो, उसे मुत्तसिल रखिए फसल न होने पाए। सलावा दीजिए, बिल्कुल मुत्तसिल रखिए ताकि वो रिश्ते तर्जमानी बाकी रहे और दिल में जो है वो जबान कह सके। यार मैं कहाँ तक कर्ज करूँगा, जबान का मसला तो इतना संगीन हो गया है कि आज मुल्क मुतजलजिल है, हंगामा बरपा है और ऐसी ऐसी जबान बंदियाँ हो रही हैं कि न पूछिए मगर कहा किया क्या जाए, हर एक के मुंह में जबान है। एक सलावात उसके मतलब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ना मुझे कहना है, मजलिस है। लिहाजा कल ये बड़ी अजीम चीज, कल्ब को क्यों कल्ब मैंने पलटने का, इसी से है इनकलाब, इसी से है तमाम तकल्लुब, ये वो पलटने के मन। तो हर उम्मीद में ये पत्ता हिल जाता है और हर खौफ में ये पत्ता इधर से इधर मायल होता है, जैसे शजर के पत्ते में हवाओं के आने से इधर से उधर जुम्बिश है, यूं ही ख्वाहिशात के झोंके जब चलते हैं। सलावात ख्वाहिशात के आंधियों में और उसके झोंकों में कल्ब कभी इधर कभी करवट बदल के इधर, कभी उम्मय की किरण है कभी यास की शाम है, कभी हसरतों के अंबार हैं कभी वहशत के खार हैं, कभी कल्ब महवे इंतजार है कभी नजारा कुन महो है। कल्ब है एक हाल पर रहता नहीं, मुतकल्लिब है, इसलिए अरब ने इसका नाम कल्ब रख दिया कि मुतकल्लिब है। लेकिन है कौन, अव्वल मुतहर्रिक इक्लीम जसद, सारे ये आज़ा कुछ नहीं, सबसे पहले कल्ब ही में हरकत होती है, उसकी जुम्बिश से पूरे इक्लीम जसद के अंदर छोटे बड़े रियाया सब में चहल पहल पैदा हो जाती है। अव्वल मुतहर्रिक और आखिर साकिन, सलावात अव्वल मुतहर्रिक और आखिर साकिन, सब आज़ा में सुकून हो जाए, फतूर सब कुछ हो जाए, लेकिन ये साकिन न हो तो जिंदगी का बेड़ा रुका रहता है, संभाले रहता है। और जब ये साकिन हो जाए तो फिर न पूछिए, हयात अपना बिस्तर लपेट के रवाना,
और मौत का लश्कर आके हमारे अंदर बस जाता है। लिहाजा अव्वल मुतहर्रिक और आखिर साकिन ये कौन है? कल्ब हमारा। क्यों है? कुदरत ने इसको बीच में रखा, वसत में रखा, हाथ में नहीं रखा है, पांव में नहीं रखा है, नहीं, जिस्म भर के अंदर जो बीचों बीच की जगह है वहां कल्ब को रखा है, ताकि हर एक को पहुंचने में और पहुंचाने में सहूलत रहे और वहीं से तकसीम हो, हरकत हो, हालात हो। तशरीह देखिए इल्मुल अब्दान की तो मालूम हो। सलावात भेजे जब कल्ब का ये आलम है तो जरा ये भी मुलाहिज़ा कीजिए कि कल्ब सदर के अंदर है, सीने का कला है, इसमें कल्ब का काशाना है, बड़ी हिफाजत से बनाने वाले ने रखा है, हड्डियों के कटहरे लगा दिए हैं, गोश्त का गिलाफ चढ़ा दिया है, रगों के जाल फैला दिए हैं, खून की नहरें दौड़ा दी हैं, हवास की शमें जला दी हैं, अकल की कुर्सी रख दी है, वाहमे को उसका कारकुन बनाया है, मुतखयले को खजानची बनाया है, जाकरे को याद दिलाने वाला बनाया है, आकिलों को फैसला करने वाला बनाया है, बीच में बैठा हुआ बादशाह हुकूमत कर रहा है। सलावात भेजिए बीच में बैठा हुआ बादशाह हुकूमत कर रहा है। खामोश सारे रियाया बड़े वफादार। अगर कोई बगावत करता है तो फिर उसके बाद वो सूख के रगें रह जाती हैं, फैज पहुंचना बंद हो जाता है, फिर मौत का सामान होता है, फिर ऐसा मफलूज होता है। सलवार जानता है बिल्कुल मफलूज होकर ऐसा फालिज ज़दा हो जाता है, मगर गजब यह है कि अलग भी नहीं होता है, बेकार मगर मिला हुआ। भाई यही तो गजब है, अलग हो जा तो मामला साफ हो जा। सलवात भेजिए फरेब नजर, फरेब नजर, देखने वाले को दुखा सब कुछ है, मिला हुआ है, साथ साथ है, हर जगह साथ है, क्या है, मगर उसे क्या मालूम कि इसमें क्या आफत है, कौन सा फालिज है कि देखने में है मगर कहें उठाने को तो उसका नहीं, चलने को कहें चलता नहीं। तो देखिए तो अजनबी को तो धोखा हो ही गया कि ये साथ है मगर अब साथी पर वो मर रहा। होगा लेकिन देखो कि कारकुन भी है, असल का फैज भी पहुंचता है या सिर्फ लिपटा हुआ है। लिपटा रहने से तो कोई फायदा नहीं होता, कोई उससे असर नहीं होता। लिहाजा कल एक सुल्तान है जो इकलीम जसद में फरमा रवाई करता है और इस तरह कारकुनान तकवीन उसके जेरे फरमान है कि कुव्वतों को मुअय्यन कर दिया है कि देखो हकदारों का हक पहुंचता रहे। ये न हो कि कोई किसी दम शिकायत करे, दम सलवा दीजिए पहुंचाते रहना हक, बड़ी रगों को उनका जर्फ देख के, छोटी रगों को उनके पैमाने पर रख के, कोई महरूम न रहे सगीर और कबीर अदल की बारगाह में, हक पा के रहते हैं, बड़ी रगों को भी दे दे, आँख के डोरों में भी सुर्खी भर दे ताकि कोई नजर शर्मिंदा न हो। सलवा दे नजर शर्मिंदा न हो बल्कि हर एक कहे कि हमारा हक मिल गया। किसने ये हक बांटा है? उसने बांटा जिसको उसने बनाया, उसने बनाया हक कल, लिहाजा वो बांट रहा है।
अगर उसका बनाया न होता तो करीब वालों को ज्यादा दे देता, दूर वालों को कम दे देता, रिश्तेदारों को ज्यादा दे देता, सलावा दे देता। होता होता ऐसा हो जाता। फिर इसका नतीजा जिसम में वह बगावत पैदा हो जाती कि जिसम की रईयत बाहम लड़ने लगती और आखिर में क्या खूनरेजी होती, घर में बैठना दुश्वार हो जाता। आप माशाल्लाह खुद नुक्ता कर, मैं तो 27 बरस से खिदमत कर रहा हूँ, आपके दिल और दिमाग बसे हुए हैं, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता है, आप तेवर पहचान लेते हैं। सलावात भेजिए। और मुझे कहने की जरूरत क्या है, मैं तो वो कह रहा हूँ जिसको मैं बिल-ए-ऐलान कहूँ, हर जगह कहूँ, मेरी कोई नकद तबसरे में नहीं आ सकता। कौन कहेगा कि कल नहीं है, कौन कहेगा कि इसकी फरमा रवाई नहीं है, कौन कहेगा कि इसके जरिए से तमाम जिस्म के अंदर अमन अमान कायम नहीं है, कौन कहेगा, सब कहेंगे। और ये भी जो मैंने कह दिया वो कौन नहीं कहेगा, आज के आखिर दुनिया अगर कोई अजो बेकार होता है तो मिला रहने नहीं देता, काट के अलग कर देता। सलावा दे दिए। काट के अलग कर देता है। कहो उससे कि क्यों अलग कर रहे हो मिले हुए को, वो कहेगा तुम समझते हो मिला है, मैं समझता हूं कि मर्ज बढ़ता जाएगा, सराज करता जाएगा, बेहतर यही है कि इनको अलग कर। तो सलावा दे दिए। अलग होता। और अल्लाह ने भी ऐसा ही किया है, ये डॉक्टर ही ऐसा नहीं करता, अल्लाह ने भी ऐसा ही किया है। वरना जिस दीन इस्लाम का माखज सुलह हो, सलामती हो, उसमें शमशीर जनी, उसमें जिहाद की तरह डालना, उसमें मुजाहिदीन के अजायम आजमाना, उसमें अपनों को ला के मौत के दहन में डाल देना और शहादत के जाम पिला देना, और उसमें कत्ल, उसमें गजवा, उसमें लड़ाइयाँ, उसमें मारके, उसमें हंगामे, अरे ये तो दीन सुलह का है। मगर क्या कीजिए, जब देख लेता है महबूब कि इंसानियत के पैकर में कुछ आज़ाए कुफ्र ऐसे हैं कि जिनको जुदा न किया गया तो सारा जिस्म सड़ जाएगा और इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, इस्लाम न रहेगा, तो कहता है अरे इनको अलग कर दो, मगर दुनिया की तलवार से अलग ना करो, हम भेजेंगे। सलावात यही। क्यों? इसलिए दुनिया की शमशीरें जा और बेजा चलती हैं, हम तलवार भेज देंगे, वो जा और बेजा नहीं चलेगी, मौका होगा तो चलेगी और नहीं होगा न्याम में रहे। इस्लाम ने कहा तलवार भेज देगा जो चाहे उठा ले, कह मेरी तलवार है किसी से उठे, तलवार है ये मेरी तलवार है, किसी से उठ नहीं सकती। अरे इंसानों की तलवारें बनाई हुई बड़े बड़े लोगों ने आजमाने की कोशिश की, मादी कर्ब की तलवार, बड़े बड़े दावा करने वालों ने कहा कैसी तलवार है, क्या है, बुलाओ उसको, लाए तलवार, ला के रख दिया उसको, खुद हाजिर, तलवार हाजिर, सरकार लीजिए ये, अच्छा ये है, उठाया, क्या है इसमें, क्या ये तलवार, उठा के जरब लगा, एक लकड़ी के ऊपर वो दो अंगुल भी न कट सके, एक दिया यही तलवार मशहूर है बेकार, ले जा। बढ़ के कहता है सरकार मैंने तलवार दी है बाजू नहीं दिया, तलवार दे। मैंने तलवार दी है हुजूर को,
बाजू नहीं दिया है, तलवार काटती है मगर हाथ चाहिए। तलवार दीजिए। तो कुदरत ने कहा कि मेरे हबीब घबरा नहीं, जब अपने असलह खाने मशीयत से शमशीर भेज रहा हूं तो अपने ही घर से कोई चलाने वाला भी भेज रहा। बाहर का आदमी चला नहीं सकता, लिहाजा जहां की तलवार वहां का सयाफ सलवार। सुनिए, लिहाजा कल्ब एक अजीब अजीम चीज है, अव्वल मुतहर्रिक आखिर साकिन। ये जुमला याद रखिएगा, अव्वल मुतहर्रिक आखिर साकिन। इस कल्ब का ये आलम है, जब ये आलम है तो हम अकीदा कहाँ रखें। सलवा भेजिए। भाई सदर है सीने से लगा लें या कल्ब में बंद करके रखें, अल्लाह ने दोनों को अलग अलग कर दिया। अगर सीने ही तक लगाया तो इस्लाम, अगर कल्ब में रख लिया तो ईमान। सलवा भेजिए। नहीं, वाजे हो जाए ना कुरान के आईने में, अफमन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम। मालूम होता है इस्लाम का मरकज सदर है। शरह अल्लाह सदरहु, और जरा ईमान का तो ढूंढिए मरकज। ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, तुम्हारे कल्ब में सजा है ईमान को। कतब फी कुलूबिकुम, उसने लिख दिया है कल्ब में। अब यहां सदर नहीं है, मालूम सदर और है कल्ब और है। सदर इस्लाम की जगह है, कल्ब ईमान की जगह है। याद रखिए, कल्ब ईमान की जगह। अब मैं क्या कहूं आपसे कि कल्ब में क्या रहता है और सदर में क्या रहता है। कुरान पढ़िए, आखिरी सूरह जहां खत्म होता है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी कुलूब। क्यों नहीं है बताओ, युवस्विसु फी कुलूबिन नास, है किसी में जुर्रत जो सुदूर को काट के कुलूब कर दे। नहीं नहीं, सुदूर इन्ना। और सदर में क्या रहता है? इस्लाम। ईमान तो नहीं रहता, वो तो कल्ब में रहता है। तो जब तक आदमी महज मुस्लिम रहता है, वसवसे में मुब्तला रहता है। सलावत दे दिया। राजन कुरान कह रहा है ना, वसवसा सदर में, लोगों के इंसानों के सदर में वसवसा डालता है शैतान। अगर कुलूब होता तो ईमान भी खतरे में होता। इसीलिए जितनी आवाजें सुनते हैं आप वो यही कि इस्लाम खतरे में है। चलवा दीजिए। किसी ने नहीं कहा कि ईमान खतरे में। खतरे में क्यों हो, जहां वसवसा होगा वो खतरे में होगा, और जहां यकीन ही यकीन है वो इत्मीनान से है। करीब क्यों खतरा होने लगा, क्यों खतरा होने लगा। लिहाजा महल्ले इस्लाम सदर है, महल्ले ईमान कल्ब है। सदर को सजा नहीं है ईमान के लिए, ज़य्यनहु इसको सज दिया। मालूम हुआ ईमान जहां आया वहां
सजावट आ गई। और जहाँ ईमान नहीं है वहाँ उजड़ा हुआ घर, उजड़ा हुआ घर है। जहाँ ढूंढिए तो किताब का एक वर्क इधर है, एक वर्क उजड़ा हुआ घर है, उजड़ा हुआ घर है। अब इस हंगामे में उजड़े हुए घर में होता ही क्या है, इधर से समेटा उधर समेटा कर दिया, इधर का उधर हो गया, उधर का इधर हो गया, तरतीब रही नहीं। कहां से रहती, इसलिए कि बैत ईमान में अगर होता तो उसकी तरतीब पसंद नहीं, वो मुरतब कर देता है मगर वसवसा, वो लेने नहीं देता, वो कहता आप ले जाइए हमारे लिए यही, इधर उधर यहाँ का उधर उधर का इधर, इतनी परेशानी हुई खुदा जानता इधर के उधर होने में कि आज तो करार ही नहीं है नमाज पढ़ने में भी, कभी इधर कभी इधर। क्या करूं उसको, मेरे बस की बात है, मैं क्या करूं, मैं कैसे कहूं। लिहाजा कल्ब महल ईमान का है, कल्ब महल ईमान, मंजिल ईमान, काशान ईमान, जलवगाह ईमान, सभी जो कहिए वो कल्ब। अब पूछूं आपसे, कल्ब कौन सी चीज मैंने अभी कही, अव्वल मुतहर्रिक आखिर साकी। मालूम हुआ कि अर्ज जसद में, जिस्म की जमीन में पहली जो चीज वजूद में आई मुतहर्रिक हुई वो कल्ब है ना पहली। अब पूरी जमीन में तो देखो कि पहली कौन सी चीज वजूद में आई, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन वहुदल लिल्आलमीन फीहि आयातुन बय्यिनात मकाम इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिना। सलावात फरमाइए, रूए जमीन पर सबसे पहले जो चीज वजूद में आई हमारे सामने वो अव्वल बैत खाने काबा, पहला घर, जिस्म के अंदर जो सबसे पहले मुतहर्रिक है वो कौन, हमारा कल्ब। कल्ब को काबे से कितनी मुनासिबत हुई, कल्ब को काबे से कितनी मुनासिबत हुई। अब फरमाइए हुजूर कि अली काबे में न पैदा हूं तो कहां पैदा हूं। कहां पैदा हूं, अव्वलियत दोनों में है। जब अव्वलियत दोनों में है तो कल्ब महल है ईमान का, कल्ब महल है ईमान का। अब न जाने काबा किसका महल होगा, ईमान ही का होगा या बेईमान का होगा। सलावात दे ये मुहम्मद, सलावात। भाई ईमान का महल है ना, तो कुदरत ने इस मुनासिबत को बाकी रखा कि तेरे जिस्म में कल्ब मंजिले काबा, मेरे रूए जमीन में मेरा घर बमंदला कल्ब अर्थ। जब कल्ब दोनों मुतसावी हैं तो मेरा जो खास बंदा होगा वो काबे ही में जाएगा, और जब उठेगा तो दिल ही में जगह पाएगा। फरमाइए मोहब्बत यहां से होती है या यहां से होती है, सलवा दीजिए। कहां से मोहब्बत होगी,
लेदा पूरे इस्लाम ईमान और शरीयत अहकाम का इत्र खींच के गुले इमामत में भर दिया और कह दिया बस लाकुम अजरन मोहब्बत को जब तलब किया तो मोहब्बत हाथ में नहीं होगी, पाँव में नहीं होगी, जसद में नहीं होगी, कहीं नहीं होगी, और अगर होगी जबान में होगी तो जबानी मोहब्बत बड़ी खतरनाक। जबानी मोहब्बत बड़ी खतरनाक, इस मोहब्बत पर कोई एतबार नहीं। लिहाजा मोहब्बत वही है जो कल्ब से हो, दिल से हो। अब तो अली की जगह कल्ब में आना है और जब कल्ब में रखना है तो आप फरमाइए हुजूर वाला, अली ने पैदा होते ही काबे में जितने इधर उधर के पत्थर के थे आते ही तो उनको निकाल दिया, अब हम अली को भी कल्ब में रखें और एक सलावा दे दिए। सकता जो काबे का काफिरे असनाम है वही कल्बे इंसानी के अंदर जब उसका जलवा होगा तो वो काफिरे शहवात होगा, असनाम कौनिया का तोड़ने वाला होगा और गजब के भूतों का शिकस्त देने वाला होगा और तमाम इंसानी रजाइल के सनम जो हमारे बैत कल्ब के अंदर आबाद कर रखे हैं हमने, ये टूटेंगे नहीं जब तक बुत शिकन काबे कोई आएगा तो ये तोड़े जाएंगे और उसी से ये टूटेगा, वरना ये टूटने वाला नहीं। देखिए हुजूर क्या कहूँ, बयान में इधर का उधर हो जाता फिर वही दो रह गए। सलवार तो लिहाजा मैं बंद करूं इस बाप को, इस बाप को बंद करूं। कमाल रजुल सितन दो चीजों से, बसगरा अम्मा असगरा तो कल्ब हू, कल्ब है और जबान है भाई, ये दोनों चीजें हैं। सुभान अल्लाह क्या कहना, दिल और जबान जब एक हो बड़ा कामयाब वो इंसान है। इसी दोनों के एक न होने से इस्लाम में तफरीका डालते हैं, ये दोनों एक होते तो सब बुजर सलमान होते, ये दोनों एक नहीं रहे। नतीजा ये है कि इधर जाओ उधर जा, ये कह वो कह ये कर, सामने आदाब तस्लीमात, उसके बाद जाके अपने घर न मालूम क्या क्या राधा सरबस्ता, ये सब होने से नतीजा ये है ईमान रहता या खुला कुफर रहता कोई आज जहमत नहीं होती। बीच वाला जो आ गया तो सलवा दे, बीच वाला जो आ गया ये बड़ा गजब कर दिया इसने, इसलिए कि इस्लाम से हटाते भी नहीं बनता है और इस्लाम में रख के राज बताते भी नहीं बनता। ये दरमियान में बरज़ख इस्लाम और कुफर के बनना बड़ा गजब हो गया, तबीयत जो रासिख होती चली गई इस बरज़खियत की आदत जो पड़ गई तो नबूवत को भी नबाजी करके पता चल गया कि रजुलन में है कि नहीं। क्या कहें, वरना ये बस मुमय्यत न रखते लौटे वदन रजुलन। अल्लाह अकबर, रजुलन के कैद मजमा छांटने के लिए, रजुलन के कैद मजमा घटाने के लिए, और कर्रारन के कैद रिश्ता तोड़ने के लिए, और गैर फर्रार के कैद तवक्को बाकी रखने, तवक्को को मुहाल बनाने के लिए। अब जो लफ्ज आते हैं वो मकराज मनकबत मजमे की बनती जाती, फजीलतों की तनाबें कटती जाती, सुबह होते होते सहावियत का खेमा ही गिर गया। सलवात गिर गया, मुसीबत हो गई, मुसीबत हो गई। रात भर एक हदीस के समझने में, एक आदमी होता तो मैं कहता किसी इंतजार में बेचारा होगा, परेशान होगा, नहीं कॉल का मौका होगा, जी नहीं, कुल
कुल सब मंतव्य, सब मंतव्य। अब मैं क्या कहूं हजूर, ये एक इजमा है जो हमने देख लिया, सलावा दे दिया। बहरहाल भाई चार और बातें हैं, कहिए छेड़ू ना छेड़ू, ये सलवा दीजिए। मैं तो यही पढ़ देता, मैं इसे इसी पर समाप्त कर देता, मगर फिर वो कहेंगे कि साहब आप लिखवा दीजिए। तो अब लिखवा कह दीजिए, जो लिखा है वही सामने आएगा। तो इसलिए मैं वो भी सुना दूं, फिर पढ़ना तो क्या। अम्मा अकबरा, एक सलवा। अम्मा अकबरा फरमाते हैं, रजुल कामिल होने के लिए छह चीजों की जरूरत थी। दो तुमने सुनी, जबान उसकी हो ठीक, कल्ब उसका हो साफ, और ये दोनों जब मुकम्मल पाक हो जाएं, तब इंसानियत का खाने फजीलत साफ पाक होगा। अभी मगर कामिल नहीं हुआ, क्योंकि घर बन गया है मगर अंधेरा। फिर अब क्या करें, तो दो और चीजें, अम्मा अकबरा, दो बड़ी चीजें, वो भी हम पहुंचाए। कौन? अम्मा अकबरा फआक्लुहु व हिम्मतुहु सलवात। अक्लुहु व हिम्मतुहु, अकली कमाल हो इन दोनों के बाद, और हिम्मत आली हो। जब ये होगा तब जनाब आली, चार दीवारी अभी बनी है तकमील की, सख्त नहीं बना, फर्श नहीं बना, ताकि छौ है ना, कुल मुकम्मल करना है कसर फजीलत तो तकमील इंसान। लिहाजा फरमाते हैं कि अम्मा अकबरा, दो बड़ी चीजें आप में क्या होनी चाहिए, अक्ल, अक्ल बड़ी हो। बड़ा मारका है वो, अकली बयान भी होता मगर अब कैसे हो, वक्त भी गुजर जाएगा, देर तक मैं पढ़ भी नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि अक्ल ही वो जौहर होगा कि सब कुछ है, कल्ब भी है, जबान भी है, मगर अक्ल ही नदारद। तो अब क्या होगा, जब अक्ल नहीं होती तो आप अपनी बरादरी में उसे बैठने नहीं देते। दीवाना किसे कहे? क्या हाथ नहीं होता, पांव नहीं होता, जिस्म नहीं होता, जबान नहीं होती, आंख नहीं होती, सभी कुछ है मगर अक्ल नहीं। अक्ल जो नहीं तो बरादरी से खारिज। अक्ल न होने से ये होता है, आप कैसे समझते हैं कि अक्ल नहीं? इसलिए कि बेमौका बातें करता है। ज्यादा अकल समझेंगे, इसकी अकल नहीं। बेमौका बातें करने से समझ में आता है कि अकल नहीं। आकिल होता तो अपनी जगह पर बैठता। अरे आकिल होता तो इतने औकला बैठे हैं, अपनी अपनी जगह बैठे, एक बेअकला आ जाए, कभी यहां बैठेगा, फिर कूद के वहां बैठेगा, फिर जाएगा वहां बैठेगा, उसे करार ही नहीं, क्योंकि अकल है ही नहीं जो बरकरार रखे। तो बेअकली का मुजाहरा बताता है कि जहां चलना चाहिए वहां रुक जाएगा, जहां न जाना चाहिए दौड़ जाएगा। नशेब व फराज का फर्क नहीं करेगा, नशेब व फराज का फर्क नहीं करेगा, बढ़वा दे दिएगा। कोई फर्क नहीं, इसलिए कि अकल की क्या फरमाई नहीं। लिहाजा कमाल अकल का हो। अकल का बयान मैं क्या करूं, क्या अकल का इब्तदाई हिस्सा तो अल्लाह दे ही देता है, मगर अक्ल हयूलानी होती है, अक्ल बिल मलका होती है, अक्ल मुस्तफाद होती है।
आखिरी चौथा दर्जा अक्ल बिलफेल होता है। बिलफेल जिसकी अक्ल बिलफेल होती है, जुमला नजरियात गयूब बिला तवज्जोह जदीद फिक्र जदीद नफ्स सामने हाजिर होते हैं, सामने हाजिर होते हैं उलूम गैबिया बिला किसी तजस्सुम और बिला किसी तफक्कुर और बिला किसी तरतीब और बिला किसी मशक्कत के। वो यूं देखता है गयूब को, इनकशाफात हो जाते हैं तमाम चीजें। ये कमाल अक्ल की दलील है, कमाल अक्ल की दलील है। और यहीं से आप फर्क समझें रजुल रब्बानी और गैर रब्बानी। सलावात ही अब तो जिक्र आ गया है, घबराइएगा नहीं कि अब इसने अक्ल शुरू किया। मैं बेअकली नहीं कर रहा हूं, और अक्ल से वकला तो खुश होंगे, उनको कहे कि जहमत। देखिए जो रजुल रब्बानी है उसमें, और हम आप रजुल इंसानी, खुदा तौफीक दे दे तो रजुल ईमानी, वरना इंसानी तो हुई। हमारे यहाँ क्या होता है, जरा एक लम्हे फिक्रिया चीज देखी, कोई चीज सूंघी, कोई चीज ऐसी हुई, हवा से खमसा ने काम किया, अब ये चला यहाँ से, तो ये सब लेके हिस्से मुश्तरक में पांचों एक जगह सब, वहां से उसने आगे बढ़ा दिया, वहां से आगे बढ़ा दिया, आखिर कई जीने तय करके अक्ल तक पहुंचती है बात। अब आपने अक्ल के सामने तजिया करके तारिया करके और जो आवारिज गरीबा हैं उनको हटा के और जो इधर उधर से लिपटे साथ चले आए हैं, सलावात सबका तनकिया करके अब असल रूह आपने जो चीज है वो कानून कुल्ली निकाल लिया। और बाकी कहा ले जाओ हमारे दरबार में ये कसरत, ये हंगामा, ये शोरगुल ठीक नहीं है, सबको हटा दिया। ये आपका आखिरी नुक्ता ताअक्कुल और इर्तिका है, ये आखिरी। अब अर्ज करूं रजुल रब्बानी में क्या होता है, एक घर से नहीं जाता, अक्ल पर पहले आता है, उतर के ख्याल पर आता, उतर के हिस में आता, उतर के जबान पर आता, यहां इधर से सऊद होता है तब इदराक कामिल होता, उधर से हुबूद होता। एक सलवा दे ये अब फरमाइए हुजूर वाला, जब उलूम का उसके ये आलम है कि उसके उलूम इधर हवास के जरिए से और मादियत से रूहानियत की तरफ इर्तका नहीं होता और तअक्कुल की आखिरी मंजिल में नहीं पहुंचते, बल्कि अक्ल ही पर खल्लाक आलम वही नाजिल करता है और उसी अक्ल से रेजिश होती है और रेजिश होकर ज़र्फ़ ख्याल में आता है और ज़र्फ़ ख्याल में आकर बकदर फहम उसको फिर एहसास के सागरों में भरा जाता है और भर के तस्नगाने हिदायत को पिलाया जाता है। अब जो कोई और प्याला पी के आए हैं सलवार कोई और प्याला पी के किसी का प्याला पी के आए हैं तो उनके गुल उसे नहीं उतरता, क्योंकि वो पी के आए, जगह ही नहीं है खुद, फिर अब कहां पी। लेकिन कुछ चालाक बामुरव्वत होते हैं तो घूंट तो ले लेते हैं मगर न उगलते बनता न निगलते। आप हजरात सुन रहे हैं इसलिए मैं पढ़ दिया मैं वरना मैं काय को। लिहाजा उनके उलूम मुतनज़्ज़िल यानी बुलंदी से उतरते हैं, जैसे बिला तशबीह समझ लिए कोहे हिमालय से आब साफी उतर रहा, अब आते आते आया कहाँ, जमीन पर, जमीन पर आके चला कहाँ, जिधर नशेब मिला वहीं मरने लगा, ठहरने लगा। अब वहां से जैसी जैसी नालियां काटी उन मुहरियों में चला,
उनमें जो गिलादत और जो कुदूरत रही उनमें मिलजुल के चला। घर वालों ने समझा वही है, अब वही नहीं है यही है। वही नहीं है अब तो ये जो जमीन इस्मत को तय करता हुआ आया था हम तक कि जरा पी लो मगर जगह रखो पियो। मौता जानता है क्या फायदा होता, उसको हमने मुकद्दर बना दिया। और ख्याल यही है कि ये वही है, ख्याल यही है कि ये वही है। अब आप समझ लें कि इस पानी का नतीजा क्या होगा, खासियत बदलेगी, बू आ जाएगी, खुशबू बदल जाएगी, सब हो जाएगा। और सब दावा करेंगे कि हम वही पी रहे हैं, सब दावा करेंगे और हो जाएंगे 73 फिरके। एक सलावत तो जब इतना फर्क है हुजूर वाला तो अक्ल उनकी कैसी होगी। कमाल रजुल में अक्ल जो है बेअकबरा, अक्ल कामिल है, कैसी कामिल होगी। बस अब क्या बताऊं, जब इब्तदान उनकी अकल पर फयूजात रब्बानिया का फैज होता है और बारिश उलूम हकीकिया होती है तो उनकी अकल कैसी होगी। मुकद्दर नहीं होगी, कुदूरत नहीं होगी, गुबार नहीं होगा। आप अपने उलूम को देखिए कि जो गदले जो गुबार आलूद जिसमें खाक मिली हुई वो आप लाते हैं उनके मुकाबले में कि जो आबे साफी के मालिक हैं, जो मतरे समा के मालिक हैं। आप जमीन से खोद खोद के पानी निकालें रियाजत के अंदाज में जमीन खोद के, आपको तो कश्फ हो रहा। अरे अब होगा कश्फ या नहीं होगा, वहां सब पहले मुनकशिफ है। एक सलावत सब वहां मुनकशिफ। जब कुल मुनकशिफ है तो उनकी अकल कभी गैर अकल नहीं होगी, क्योंकि उतर के आदतों के बज़्म में जब आके असीर हो जब तो गर्द गुबार इस आईने पर पड़े। और जब वही उनको संभाले हुए है नुक्ते उला पर तो भला उनकी अकल कभी गैर अकल होगी। हुआ करे जिस्म में बुखार, उनकी अकल से कोई मतलब नहीं। आया करे बशरियत के लवाजिम हुआ करें, अकल अपनी जगह पर है। क्यों यहां से नहीं समझा है कि अब हवास में नहीं है तो क्या कहें। हवास में तुम आओ, उनको हवास से मतलब नहीं है, उनका वो काशान है अकली जगमगा रहा। हमारी नासमझी है जो हम जरा सी बीमारी में कह दें कि न जाने क्या कह रहे हैं। सलावत है ये हकीकत अमरिया नहीं है तो कहां वो फिर रह जाएगा। और फिर देखा जाएगा इंशाल्लाह शाम को भी 5 बजे कुछ न कुछ पढ़ना है। मुझे ऐसे आदमी के लिए एक ही पढ़ना दुश्वार, फिर मुझे पढ़ना 5 बजे ठीक फिर पढ़ना पड़ेगा इसी जगह। तो अब उस वक्त कुछ पढ़ दूंगा सलावत है ये। तो जब रजुल रब्बानी का ये आलम है कि उस पर फयूजात बातिनिया और फयूजात सिर्रिया इलाहिया समदानिया और उसके ऊपर तमाम उलूम गैबिया जब मुनकशिफ होते रहते हैं तो न उनको किसी के तालीम की जरूरत है, न किसी को बताने की जरूरत है। नहीं, कमाल अकल उनका कब हो जाता है, वो नाकिस लेके आते ही नहीं कि कोई कामिल बनाए। नाकिस आए हों तो कामिल बनाओ, वो पहले अकल कुल बन जाते हैं जब जामे बशरियत पहन के आते हैं। सलावत है ये।
यकीन दहानी के लिए, इसी यकीन दहानी के लिए आने वालों से पहले हमारे जो आने वाले थे अल्लाह ने ईसा को भेजा था। यकीन दिला दो कि हम जिसे भेजते हैं वो कामिलुल अक्ल होता है। जाके अभी कहो कि मुझे किताब मिली है, नबूवत मिली है, अल्लाह का बंदा हूं। ये बड़े बड़े कद वाले आज तक ना कह सको, कौम भर जमा और आके सब कहते हैं, एक बच्चा गोद में हजरत मरियम के कहता है जन्नी अब्दुल्ला। अरे बोल देते सब कि तुम क्या हो, अभी आए हो, हम सब अब्दुल्ला। सन्नाटा हो गया, बच्चे ने पूरे इजमा को कुचल के रख दिया। मोहर सुकूत लग गई, कोई ना बोल सका। फिर जब ईसा का मरहला कुरान ने हमें समझा दिया तो अब क्यों हमसे पूछते हो कि आले मोहम्मद कैसे, ईसा से पूछो कि कैसे, हमसे न पूछो। और अगर आज नहीं तो बुलाओ ईसा को, बुलाओ, पूछूंगा मैं। अगर कहिए तो मैं पूछूं, आज आने पूछूंगा, लो यहां वाला भी है, आज भी आइए, मुसल्ला ये है, देखूं आप पढ़ाते हैं या ये पढ़ाता है। सलवार है ये, माफ कीजिएगा, जब इस घराने का बारना ऐसा है तो पहला कैसा होगा। सलवार, पहला कैसा होगा, क्या मना रही है। ये लोग रजाल में रजुल रब्बानी हैं, इनके हालात ही और हैं, इनके अतवार ही और हैं। अरे ये बहुत छुप छुपा के निहायत मख्फी करके हमने भेजे गए, हमने बहुत छुपा के भेजे गए, उस पर भी क्या नहीं हम कह गुजरे। इतना छुपाने के बाद खुदा जाने बेनकाब हो तो क्या इनकलाब हो, क्या कयामत हो। इसीलिए तो छुपा रखा है कि अभी जरा आंखों में ताकत तो पैदा करो, आंखों में जोर पैदा करो। हम कलीम को आजमा चुके हैं, अब आता है तुम्हारी आजमाइश का भी वक्त, और जब आ जाएगा तो फिर हम पूछेंगे कहाँ गई वो आंखें जिन पर बड़ा नाज था, जिन पर बड़ा नाज था, आज हमारी कुदरत का शाहकार देखो। सलवा, इनके तरीके अलग, इनके आलात अलग, इनकी चीजें अलग। मैं क्या कहूं, बशर होते हुए भी क्या उनकी शान थी। लोग सीरत सीरत कहते हैं, अरे देखो आले मोहम्मद की, देखो सीरत, केनान आलम इनकान उंगलियों से लिपटी हुई, इशारों पर आफ्ताब महताब की गर्दिश है, इरादों पर आलम मुतहर्रिक है, मशीयत पर कयामत मुंतजिर है। सलवात, मगर हमारी कोताह बीनियों ने उनके मरातिब नहीं पहचाने, उनको पहचाना नहीं। मैं बताऊं, यकीन कीजिए कि ये वो सिर्रुल्लाह थे जो हया किले बशरियत में वदियत रखे गए, कुरान के लफ्जों में मानी रखे गए, और बशर के पैकर में आले मोहम्मद रखे गए। सलावा दीजिए, सिर्रुल्लाह हया बशरी है कल में अल्लाह के असरार थे जो रखे गए। इसीलिए हर आमी की समझ में नहीं आ सका कि ये क्या थे, इसीलिए लोग दिल ना दे सके, इसीलिए लोग मोहब्बत ना कर सके, क्योंकि लोगों की मोहब्बत दिरहम और दीनार पर है, लोगों की मोहब्बत बिछे हुए दस्तरखान पर है, लोगों की मोहब्बत शाही खजानों पर है, लोगों की मोहम्मत मोहब्बत कसरत अफवाज पर है, लोगों की मोहब्बत बड़े जथे पर है, लोगों की मोहब्बत का मेयार ही और है। लेकिन आले मोहम्मद के मोहब्बत के असीर ये नहीं देखते कि जर है या नहीं,
ये देखते हैं कि अबू जर है या सलवा दे दिए असीरान मोहब्बत आले मोहम्मद मामूली नहीं है। उन्होंने अली को दोस्त इसलिए नहीं बनाया है कि दुनिया में उनको सरमायादारी मिल जाए, दुनिया में उनको पैसे मिल जाएं। नहीं नहीं, पैसे के लिए दीन अख्तियार करना औरों का सेवा है, हमारा सेवा नहीं है। हम पैसे के लिए दीन नहीं अख्तियार करते। नहीं नहीं, हमने तो किसी और मंजिल के लिए दीन अख्तियार किया है, और जब अख्तियार किया है तो उनको सामने रखा है। अरे हम और ये इतने इख्तदार के बाद, इतनी कुदरत के बाद कि लबों को जुम्बिश हो चक्की की। ये हाल आप गौर करें, जो भी अपने मखदूमीन को पेश करता है वो बढ़ा के पेश करता है, दुनिया की चीजों से सज के पेश करता है। उनका महल ऐसा, उनके जवाहरात ऐसे, उनका ऐसा, अरे दस्तरखान कैसा, उनके हशम कैसे, कदम कैसे। एक हम हैं तो ये सब चीजें हट गई, क्या पेश करते हैं? चादर में पैमन कितने थे, क्या पेश करते हैं? घर में फाफा कितने, क्या पेश करते हैं? हसनैन सोते कहाँ थे, क्या पेश करते हैं? अली और फातिमा बैठ के बातें क्या करते थे, बैठ जाते थे तो फातिमा कहती थी अबुल हसन अरे देखो मेरे हाथों में चक्की पीसते पीसते क्या हालत। अली कहते थे तुम देखो आबकशी करते करते मेरे हाथों की क्या हालत है। ऐसे दो आदमी और उनकी सीरत को हम हजारों के मजमे में पेश करते है कोई रूहानियत जब तो हम ऐसा करते, वरना अगर और कोई होता तो ये न पेश करता। और हमें कहना पड़ता सिर्फ इसलिए कि हमारा मतमह नजर तलब दुनिया नहीं, हमारा मतमह नजर तो यह है कि जिंदगी के बाद जो हमारे सामने मनाजिल आएंगे वहां कौन बादशाह है जो हमारी दस्तगीरी करे, वहां कौन है कि जो हमें आकर संभाले। अरे लोगों का साथ तो उसी रुख से छूट जाता है जब से मलकुल मौत लेके चले जाते, उसी रुख से कोई न कराबदात न कोई अजीज न कोई साथी, अमवार पड़े रहते हैं, खामोश सर पीटते हैं सीना पीटते हैं, दवाएं बेहिस हो जाती हैं, दवाओं का असर रोक दिया जाता है, कुछ भी नहीं होता, आने वाला आता है और बच्चे तड़पते रहते हैं, अल्लाह हंगामा गिरियो बुका में मसरूफ, मगर अब रहम नहीं करता। ए मलकुल मौत, अरे किसी की जवानी पर रहम करो, ए मलकुल मौत किसी के बुढ़ापे पर रहम करो, ए मलकुल मौत किसी के बच्चे के कमसिनी पर रहम करो। वो कहेंगे मैं कैसे रहम करूं, मुझे हुक्म हुआ चाहे कोई जवान ही हो मगर मैं ले जाऊंगा। अरे मलकुल मौत देखो जवान को उसकी माँ रो क्यों कर रही है, देखो उसकी पालने वाली के दिल पर कैसे उनके पहाड़ टूट रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं जो ले जा रहा हूं तो घर से ले जा रहा हूं, प्यासा नहीं ले जा रहा, जख्मी नहीं ले जा रहा, तो मैं खा के गर्म से नहीं उठा रहा, मैं ये नहीं कर रहा हूं। ए मलकुल मौत ऐसा तो नहीं है, सुनिए दो चार जुमले मसाहब का, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर करबला का बेकस मजलूम न होता तो आज गुलामों के दिल को तस्कीन न होती और गुलाम मर जाते एक एक हादसे में, मगर जब कोई हादसा होता है तो करबला का नक्शा सामने आ जाता है, और जब आ जाता है तो देखता हूँ कि एक माँ अपने बेटे को कहकर रो रही है, और देखता हूँ कि एक बहन अपने भाई की लाश पर क्यों गड़ा कर गिरिया कर रही है। जब ये मंजर आ जाता है तो फिर गम अपना हल्का हो जाता है, अपने गम में कोई असर नहीं होता। इसीलिए हमारे यहाँ मजलिस कर दी जाती है मरने वालों की, क्योंकि अजीजों के दिल जख्मी हो जाते हैं, उनकी यादें उनको बेचैन कर देती हैं, मजलिस रुख मोड़ देती है करबला की तरफ। देख लो अगर किसी का भाई मरा हो तो वो ज़ैनब को याद करे, ए ज़ैनब।
देख लो। मिन्नतें करती रही न सुना, एक जुमला बराबर सुनते हैं, मैं भी अर्ज कर दूं। तमाम लोगों से कहा किसी ने न सुना तो शहजादी मजबूर होकर उधर मुड़ी। जो सरदार लश्कर था देखा कि उस धूप में चतर जर लगाए पड़ा है और रसूल के नमाज़े का जिस्म गर्म जमीन पर पड़ा है और बहन सामने खड़ी और फौजे सिमट आई हैं और कातिल खंजर दुरुस्त कर रहा। क्या पूछते हो उस मंदिर को कहकर मैं बताऊं, ये देखकर कोई सहारा न था। दिल चाहा होगा देखो दारू के पास आओ, मगर है कहां अब्बा अली अकबर आओ, मगर कोई नहीं था। जब कोई न था तो मुझे कहा यमन साथ आयुक्त लो अबू अब्दुल्ला वांत तंदुरो रहे एक सर साथ मेरा भाई जबा हो रहा है और तू खड़ा देख रहा है। ए अदादारो जालिम ने मुंह फेर लिया, अरे ज़ैनब की आवाज हुसैन के कान में आई, बोल न सके इशारे किया बहन वापस जाओ। अरे मैं सुना हाय अदादारो ज़ैनब से आई आवाज आई, अगर मैं पूछो ये तो बहन थी। बताओ माँ का क्या हाल हुआ, सैयदों ने पति छोड़ा, सैयदों कर्बला में आ और सैयदों देख रही है, अरे मैंने चक्किया पीस पीस के पाला। हाँ मेरा हुसैन जिसको सीने पर सुनाया, अरे कातिल शहीद कर रहा है, फातिमा का ले जा पकड़े हुए।